वेलकम है गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल टेक पोक पे। फायरबोल्ट की टॉप लाइन की वॉच यहाँ पे मेरे सामने है, फायरबोल्ट की एम्परर। यस गाइस, काफ़ी बड़े डिस्प्ले के साथ मिलती है और सबसे अच्छी बात है कि सिमेट्रिकल ये डिस्प्ले, मतलब आपको चारों तरफ से सिमेट्रिकल यहाँ पे मिलता है डिस्प्ले, देख सकते हो। और बेजल्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलती है हर जगह से यहाँ पे। ये बहुत ही कमाल का काम किया गया, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, कहीं नीचे की चिन ज़्यादा दे देगी, कहीं ऊपर का एरिया ज़्यादा दे देगी ब्लैक पोर्शन, बट यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर जो मिलता है आपको चारों तरफ बराबर ही मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है यहाँ पे। और डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ी मिल जाती है, 1.96 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, 49.7 mm। ठीक है, तो इसी को ही आज हम अनबॉक्स करेंगे और रिव्यू करेंगे। देखिएगा इस बहुत ही ऐसा टेक्स्चर आ रहा है और मेरे मीडियम इश पे काफ़ी अच्छी लग रही है, तो लास्ट मीडियम इश के लिए परफेक्ट है। थिन इश पे नहीं चल पाएगी वैसे ये वॉच, बट यहाँ पे ये रही मेरे पास बॉक्स पैक रखी हुई है फायरबोल्ट की एम्परर, और यहाँ पे ये ब्लू वाला शेड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, तो मैं अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे रिव्यू दे पाऊँगा वॉच का। और इसका मैं प्रीव्यू ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के इसको हम चेक करते हैं, अनबॉक्स करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास ब्लैक वाला शेड और यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। और गाइस इस तरीके के रिव्यूज़ को, अनबॉक्सिंग को आप इंजॉय करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो गाइस, बेल आइकन को भी ऑल कर दो। इधर की साइड आपको हमारा टेकपोक चैनल दिख रहा होगा टेलीग्राम वाला, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी डील आती रहती हैं। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मतलब सर हम कहाँ से डील को ग्रैब कर सकते हैं, तो आपने अगर वो चैनल ज्वाइन ही नहीं किया तो आपको डील्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो बनने से पहले वहाँ पर डील शेयर हो जाती है, टेकपोक हमारा जो टेलीग्राम वाला चैनल है, और इंस्टाग्राम का हैंडल टेकपोक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि 25K पे हम गिव अवे लेके आने वाले हैं आप सभी के लिए। अभी तो 23K कंप्लीट हो गए हैं, तो 25K पे लेके आने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे मोमेंट ऑफ ट्रूथ यहाँ पे मिल जाती है आपको ब्लैक शेड में, काफ़ी ज़्यादा मतलब लुक एंड फील प्रीमियम आ रहा है। और ब्लू शेड तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ब्लैक शेड से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है, देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके का टेक्सचर, ये लेदर टाइप का टेक्सचर दिया गया, बट ये सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप मिलते हैं आपको। ठीक है, 22 mm आफ्टर मार्केट कैप्स में लगा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ब्लैक वाले को ओपन करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये एल्युमिनियम की केसिंग मिलती है पूरी की पूरी, जो कि इसको बहुत अच्छा लुक देती है। और गाइस यहाँ पे कुछ देख सकते हो, पैम्पलेट्स मिल जाती हैं, यूज़र गाइड मिल जाती है, यूज़र गाइड नीचे की साइड रखी हुई है, ये रही आपकी, इससे आप पढ़ सकते हो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। और गाइस ये चार्जिंग केबल मिल जाता है आपको देखने के लिए। ठीक है, तो गाइस ये सारी चीज़ें मिलती हैं, अब इसको रखते हैं साइड में और वॉच पे इटसेल्फ आते हैं। तो यहाँ पे ये रही वॉच इटसेल्फ गाइस, काफ़ी क्लीन लुक है, क्लियर लुक है इस वॉच का इटसेल्फ, और देख सकते हो इस तरीके से मिल जाता है। और स्लिम है डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा स्लिम नहीं कहूँगा बट स्लिम है। वैसे मैंने आपको बता दिया ये लास्ट मीडियम इसके लिए काफ़ी परफेक्ट ये वॉच बन जाती है। ठीक है, तो इसकी पॉली रैप को हटाते हैं ऊपर से, देख सकते हो यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील हो रही है। और जैसा मैंने आपको बताया 22 mm आफ्टर मार्केट का इसमें स्ट्रैप लगा सकते हो, एक टेक्सचर दिया गया है बट ये आपका वो नहीं है, कह सकते हो आप लेदर वाला स्ट्रैप नहीं है जैसा कि आपको इसमें भी मिलता है, बट ये टेक्सचर दिया गया लेदर के टाइप का स्ट्रैप का, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे फायरबोल्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे डिटेल्स पे बहुत ही ध्यान दिया गया बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे देख सकते हो एक तो रोटेटेबल क्राउन मिल जाता है आपको, ऑब्वियसली बात है एमोलेड डिस्प्ले के साथ आपको यहाँ पे मिल रही है वॉच, और यहाँ पे सेकंड बटन मिल जाती है जिसको आप प्रोग्राम भी कर सकते हो। यस, आपने सही सुना, यहाँ पे मैं प्रोग्राम भी कर सकते हूँ इस बटन को, मैंने अभी यहाँ पे कॉलिंग पे लगा रखा है इसको डायरेक्टली, तो आप भी इसको प्रोग्राम कर सकते हो बटन को। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे क्लीन है, और पीछे की साइड आपको ये चार्जिंग पिन्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे एक ये होल दिया गया, आई डोंट नो माइक्रोफोन का होल तो ये है, वैसे स्पीकर का वेंट ही रहा। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा होल दिया गया इसके अंदर, तो ये अच्छी बात है। कह सकते हो स्पीकर का साउंड थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हो आपको सुनाई दे, जैसे कि फ़ोन्स में भी होता है तरीके का, फ़ोन्स में तो वो स्पॉन्जी टाइप की बॉल्स यूज़ होती है, इसकी वजह से स्पीकर ज़्यादा साउंडिंग करता है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं, होपफुली इसमें बैटरी हो। तो यहाँ पे ऑन हो चुकी है, फायरबोल्ट की ब्रांडिंग आ चुकी है। यहाँ पे इंग्लिश आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो, स्किप करोगे यहाँ पे टैप करके होम पे आ जाएगा। और गाइस इस तरीके से आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे लाइव वॉच फेस भी देखने को मिल जाते हैं। और एमोलेड डिस्प्ले तो डीपर ब्लैक स्पंजी कलर्स ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाएगा इसमें आपको, लाइव वॉच फेस भी देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ पे हम ए टू जेड चीज़ों को चेक करते हैं, नीचे की साइड से स्वाइप करते हैं मैसेज नोटिफिकेशन आया था, ऊपर की साइड से आपको टॉगल मेन्यू मिल जाता है जो कि आपको नोवा से इंस्पायर्ड है, पेबल की कॉस्मोस नोवा थी उस तरीके से इंस्पायर्ड है। आप ही समझ लो पेबल की कॉस्मोस नोवा में एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती थी, इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, और पीक ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और यहाँ पे सेकंड वो नहीं मिलता, तो यहाँ पे पूरा एकदम कॉपी नहीं किया गया, यहाँ पे देख सकते हो वो सेकंड वाला स्लाइडर वाला ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पे बस इतना ही है। और यहाँ पे टॉर्च लाइट मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है डिस्प्ले, और साथ ही में यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, सेटिंग में मैनी स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, वैसे आप डबल टैप करके बटन से भी कर सकते हो, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। डिस्प्ले पे जाते हो यहाँ पे वॉच फेस चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस लेवल्स आपको मिल जाता है, स्क्रीन टाइम यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 30 सेकंड तक का मैक्सिमम मिलता है,
और रेस टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, कितने टाइम तक के लिए रखना है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है यहाँ पे डिजिटल और एनालॉग। ठीक है, यहाँ पे हम सब कुछ चेक करते हैं, ये रहा डिजिटल वाला आपका, ठीक है, और एनालॉग वाला चेक कर लेते हैं एक बार डिस्प्ले में जाके, AOD क्लॉक एनालॉग, ठीक है, ये देखो एनालॉग वाला है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्राइट भी है और ओवरऑल कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा लुक आ रहा है। ठीक है, अब गाइस बैक करते हैं, यहाँ पे सेटिंग पे चलते हैं वापस से, उसके बाद आपको डिस्प्ले में और चीज़ें मिल जाती हैं, दैट्स इट। और बैटरी यहाँ पे बैटरी सेवर भी ऑन कर सकते हो, 70% बैटरी चार्ज मिली है। वाइब्रेशन इंटेंसिटी आप बढ़ा घटा सकते हो, यहाँ पे अच्छी है यहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। QR कोड पे जाता है डाउन की को, यहाँ पे देखो कस्टमाइज़ कर सकते हो, यहाँ पे अभी ऑफ पे रख रखा है इसको, चाहे तो आप रिटर्न पे, वर्कआउट पे, डाटा पे, हार्ट रेट पे, किसी पे भी रख सकते हो। ठीक है, और साथ ही में यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हो, ये भी अच्छी बात है, यहाँ पे 24 आवर या 12 आवर्स का आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अभी देखो टाइम गलत दिखा रहा है, अभी जब हम पेयर करेंगे फ़ोन के साथ तो प्रॉपरली सही दिखाएगा। और यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे पासवर्ड स्विच कर सकते हो, ऑन कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, तो ये भी अच्छी बात है यहाँ पे। और उसके बाद सिस्टम का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपको शट डाउन, रीस्टार्ट, रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो गैस ये मिलता है बेसिकली यहाँ पे मेन्यू, डबल टैप करके यहाँ पे मेन्यू चेंज आता है, देख सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे वन सेकेंड, ये देखो यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से मेन्यू मिल जाते हैं। तो गैस यहाँ पे मेन्यू स्टाइल आपको 4-5 मिल जाती है, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, लोग पूछ रहे थे ना 4-5 मेन्यू स्टाइल वाली वॉच, ये तो आपके सामने आ चुकी है, फायरबोल्ट की एम्परर। ठीक है, अगेन गाइस याद दिला दूं आप सभी को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, इस तरीके के रिव्यूज़ आप सभी के लिए आते रहते हैं, अनबॉक्सिंग आती रहती है, तो गाइस स्टिक रहेगा चैनल पे। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप स्वाइप कर दो तो स्प्लिट स्क्रीन मिल जाती है, राइट साइड में आपको ये जो शॉर्टकट्स है वो देखने को मिल जाते हैं। इसमें 60 हर्ट्ज का सैंपल रेट नहीं है, बट अगेन गाइस यहाँ पे स्मूथ है, इतना भी ज़्यादा मतलब वो नहीं है, यहाँ पे स्मूथ चल रही है वैसे वॉच। ठीक है, और यहाँ पे शॉर्टकट भी आप ऐड कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ पे टैप करके होम पे पहुँच जाते हो। अब गाइस सारी की सारी चीज़ों को चेक करते हैं, वैसे इसकी A to Z यहाँ पे टैप करना है, और यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलता है, टेलीफोन, तो अभी पेयर करेंगे तब हम चेक करेंगे। कॉल पर्सन यहाँ पे कितने कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो, कॉल रिकॉर्ड्स मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, डाटा यहाँ पे जो आपने परफॉर्म किया है DD बेसिस पे वो शो करता है, वर्कआउट रिकॉर्ड्स मिल जाता है। अब यहाँ पे वॉकिंग करके देखते हैं, 50 स्टेप चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी कैसी क्या मिलती है। सो गाइस 50 स्टेप्स मैंने चल लिए दोनों ही वॉचेस में, और देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल दिखा रहा है, 51 स्टेप्स और यहाँ पे 51, तो गाइस यहाँ पे एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मिलती है दोनों ही वॉचेस में। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्राइटनेस लेवल्स कम कर रखे हैं वैसे, उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको वर्कआउट रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, और उसके बाद आपको हार्ट रेट मिल जाता है, हार्ट रेट को ओवर द एयर चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो वैसे तो मेरे ख्याल से नहीं बताना चाहिए, ओवर द एयर यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर के साथ आती है, रेड और ग्रीन एक्शन का सेंसर आपको दोनों में ही देखने को मिल जाता है, मतलब इस वॉच में देखने को मिल जाता है, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ठीक है, और ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी मिल जाता है, बट ब्लड प्रेशर के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता आपको, आप वॉच से आप चेक करें। ठीक है, यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक कर लेते हैं एक बार, देखो रेड एक्शन का सेंसर जल रहा है ना, तो डेडिकेटेड सेंसर मिलते हैं आपको देखने के लिए, ग्रीन हार्ट रेट के लिए, रेड एक्शन का SpO2 लेवल मॉनिटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये अच्छी बात है, तो यहाँ पे नहीं बता रहा है, इसमें भी नहीं बता रहा है। और आगे बात करें, मैसेज नोटिफिकेशन है, वेदर का ऑप्शन मिल जाता है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन है, और म्यूज़िक प्लेयर का ऑप्शन मिलता है, और म्यूज़िक प्लेयर में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉल्यूम अप डाउन करने का भी, ब्रीथ ट्रेनिंग है, स्टॉप वॉच मिल जाता है, टाइमर मिल जाता है, अलार्म आप वॉच में इटसेल्फ नहीं लगा सकते, जैसे कि आप पेबल की कॉस्मोस में भी नहीं लगा सकते थे, और कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है दोनों में ही, कैलेंडर भी देखने को मिलता है, तो ये भी कमाल का है, मतलब कैलेंडर भी दिया गया है इसके अंदर वॉच में इटसेल्फ, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। बैक कैसे होगा, होम पे जाना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद कैमरा शटर मिलता है, सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, सेटिंग में तो आपने देख ली सारी की सारी चीज़ें। अब एक काम करते हैं यहाँ पे, हाँ ओवर द एयर तो हमने चेक कर लिया, अब फ़ोन के साथ पेयर करते हैं वॉच को, और देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या मिलता है, मतलब यहाँ पे जो लाउडनेस है कैसी क्या मिलती है। तो गैस ये पेयर हो चुकी है पर्टिकुलरली, और यहाँ पे उसका भी ऑप्शन आ गया था कॉलिंग वाला भी, तो यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ पहले आपको। अब गैस यहाँ पे डायरेक्टली हम कॉल करके देखते हैं, देखो ऑडियो मीडिया ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो, तो सिंगल चिप कनेक्टिविटी के साथ आती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ पे हम चलते हैं इस पे कॉलिंग पे, देखते हैं लाउडनेस कैसी मिल रही है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, लाउडनेस ठीक है, क्लियर है, और लाउड भी है गाइस डेफिनेटली। ट्रांसफ़र यहाँ से कर सकते हो, और वापस वॉच में भी ले सकते हो, यहाँ से कट कर सकते हो। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट भी चेक कर लेते हैं एक बार, व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद, इसमें बता रहा है ना आपको करना है यहाँ पे,
इस पर कर देना है। अब यहाँ पे फ़ोन का मीडिया भी इसमें सुनाई देगा, तो यहाँ पे मैं दिखाया था आपको। व्हाट इज़ द वेदर ऑफ फरीदाबाद, है ना? अब आवाज़ बढ़ानी तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, तो इस तरीके से हो सकता है प्रॉपरली, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सॉन्ग सुन के देखते हैं, फिर उसके बाद और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे एप्लीकेशन में से। यहाँ पे वॉच में सॉन्ग सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते, ठीक है। और इवन आप चाहो तो यहाँ पे स्विच भी कर सकते हो, इधर से इसको आप करोगे तो आपके फ़ोन पे आएगी आवाज़, इसको कर दोगे तो यहाँ पे वॉच पे आएगी आवाज़, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है, यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब एप्लीकेशन को चेक करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे ये रही एप्लीकेशन। डिवाइस पे जाते हो, यहाँ पे डिवाइस इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको, और यहाँ पे अलार्म आप सेट कर सकते हो। अलार्म में देखते हैं यहाँ पे रिंग करेगा या वाइब्रेट होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 12:34 हो रहा है, तो 12:35 का लगाते हैं, ठीक है। और गाइस आगे बढ़े यहाँ पे, तो पुश नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद आपको एक काम और करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रिमाइंडर्स ऑल, ओके। यहाँ पे कॉल अलर्ट्स, एसएमएस, ये। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन को अलाउ कर देना है यहाँ पे जाके, देन ओनली सारे के सारे नोटिफिकेशन आएंगे, नहीं तो आप परेशान होते रहोगे, नोटिफिकेशन नहीं आने वाले, ठीक है। अब गाइस डायल लाइब्रेरी में मेन चीज़ ये मिलती है, देखो रिंग कर रही है और वाइब्रेट भी हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे देखते हो वॉच फेस तो अच्छे मिल जाते हैं, बट ज़्यादा नहीं मिलते वैसे इसमें, इसमें आपको 50 तक मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलते, देख सकते हो यहाँ पे। और अपनी पिक को ऐसा वॉच फेस लगाते हैं, सबसे पहला वॉच फेस यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट करना है पिक्चर में से, और स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, वाइट चाहिए या वॉल चाहिए, पोजिशन आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, तो सही है पोजिशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लग चुकी है, एकदम परफेक्ट लग रही है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल भी पिक्सेलेशन नहीं हो रहा है इसमें वॉच में, जो वॉच फेस है बेसिकली। इसको आप एडिट भी कर सकते हो, यहाँ पे टाइम को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जॉन साहब को लगाना है यहाँ पे, येलो वाला भी कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। सो गाइस कॉल मिला दी, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रिंग बज रही है और वाइब्रेट भी हो रहा है वॉच ये, और यहाँ पे क्विक रिप्लाई का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो गाइस ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे क्विक रिप्लाई भी आप ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। और यहाँ पे कट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे रिंग भी बंद कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे पूरा प्रॉपर क्या म्यूट करने का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, एज सच कुछ ऑप्शन है क्या इसमें? तो गाइस एज सच यहाँ पे कहीं भी वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है मेरे को। वाइब्रेशन इंटेंसिटी आप इसको ऑफ कर सकते हो बेसिकली, तो एक काम करते हैं, देखते हैं कॉल मिला के, रिंग होना चाहिए, यस रिंग ही हो रहा है, दैट्स इट, यहाँ पे वाइब्रेट नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर म्यूट करने का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा? तो म्यूट करने का ऑप्शन तो यहाँ पे एज सच नहीं दिखा रहा है, म्यूट करने का ऑप्शन नहीं मिलता मेरे ख्याल से इसमें बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे डिस्प्ले है, मेन्यू स्टाइल है, वाइब्रेशन इंटेंसिटी है, दैट्स इट। तो गाइस यहाँ पे म्यूट करने का ऑप्शन कहीं नहीं मिलता है, तो गाइस ये थोड़ा सा फ्लॉ है इस वॉच में फायरबोल्ट की, जो आपकी एम्परर है, बट ओवरऑल वॉच मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। अब गाइस यहाँ पे और चीज़ चेक कर लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ड्रिंक वाटर रिमाइंडर मिल जाता है, स्पोर्ट्स भी पुश कर सकते हो क्योंकि इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे ना और ज़्यादा, तो यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऐसे आप वॉच फेस को ट्रांसफ़र करते हो तो स्पोर्ट्स मोड को भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो इस तरीके से, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेदर रिपोर्ट्स यहाँ पे शो कर देगा, अलावा ओके कर दें वाइल यूजिंग दिस एप्लीकेशन, और यहाँ पे आपका वेदर ले लेगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ले लिया इसने। उसके बाद ऑटोमेटिक हार्ट रेट मॉनिटर अगर आप ऑन रखते हो तो आपकी बैटरी ज़्यादा जाएगी, ध्यान रखना है आपको। और फाइंड माय वॉच का ऑप्शन मिल जाता है, वॉच रिंग प्लस वाइब्रेट दोनों करती है। रिस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स कितने ऐड कर सकते हो वो चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ पे आ चुका है, 10 कॉन्टैक्ट को आप सेव कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा कम लगा मेरे को। शेक फोटोग्राफ यहाँ पे आप पिक ले सकते हो इस तरीके से, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। शटर बटन की तरह यूज़ कर सकते हो, दैट्स इट गाइस, सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब कैसे काम करते हैं, वेट करते हैं इस वॉच का कितनी हैवी है, उसके बाद हम ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं, फाइनल कंक्लूजन भी देता हूँ आप सभी को। यहाँ पे अगर हम देखें तो 53 ग्राम्स के, 52 ग्राम्स के बेसिकली यहाँ पे एम्परर आपकी, ठीक है, तो ज़्यादा हैवी नहीं है। और अब हम ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं इस वॉच की, देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से कैसी एक्यूरेसी मिलती है। तो गाइस मैंने यहाँ पे पहन लिया, वैसे ब्लू वाली मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और ब्लैक वाली ठीक लग रही, बट ब्लू वाली का अलग ही लुक था। यहाँ पे हार्ट रेट चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है, और ऑक्सीमीटर में आ चुका है रिजल्ट, यहाँ पे 91 हार्ट रेट दिखा रहा है और 96 स्पीड दिखा रहा है, 88 हो चुका है। इसमें देखते हैं यहाँ पे
86 ओके क्लोज टू एक्यूरेट दिखा रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा काम कर रही है वॉच। अब गाइस यहाँ पे SPO2 चेक करते हैं, यहाँ पे SPO2 के लिए आपको नीचे जाना है, नहीं शायद ऊपर होगा, हीरा, ठीक है। तो गाइज मेरे को वॉच काफ़ी अच्छी लगी जिस प्राइस ब्रैकेट में आपको देखने को मिल रही है, आप जाके ग्रैब कर सकते हो गाइज। और बड़ी डिस्प्ले मिलती है और सिमेट्रिकल बेजल्स मिलती हैं गाइज, तो ओवरऑल मेरे को मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। लाउडनेस भी अच्छी है यहाँ पे, सिंगल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। और गाइज पेबल की कॉस्मोस नोवा से काफ़ी बेटर रहेगी, क्योंकि पेबल की कॉस्मोस नोवा का प्राइस भी है जो बढ़ चुका है। अब अगर गाइज आपको थोड़े से पैसे मिला के या उस प्राइस ब्रैकेट में अगर आपको देखने को मिल जाए AMOLED डिस्प्ले तो काफ़ी बेटर है, ठीक है। तो गाइज ये वॉच लास्ट मीडियम इसके लिए परफेक्ट है, और मेरे ख्याल से ये ब्लू वाला शेड काफ़ी अच्छा है। मैं सारे के सारे कलर शेड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके ग्रैब कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना मत जाना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।